वेलकम टू माय चैनल भाई। साइड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको साइड से दिख रहा होगा ना कि भाई थार टू डोर आती थी, थ्री डोर का डिफरेंस दिख रहा है व्हाइट कलर में, मतलब प्यारी व्हाइट कलर में। पुरानी बिकती थी अपनी ब्लैक कलर में, पर जो व्हाइट कलर का वो आया ना अपना आपकी बार, ये इतना प्यारा निकाला गया है। चाबी तो आपको सेम मिलती है भाई, बेस से टॉप में कोई फ़र्क नहीं है। महिंद्रा की और भी गाड़ी ले लो आप, इसकी मतलब आपसे बताता हूँ मैं कि ये फुट स्टेप देख सकते हो फ्रंट से 19 इंच के आपको व्हील देख सकते हैं। MX-5 में आपको 1 इंच छोटा मिलता है, इसमें टॉप मॉडल का आपको पूरा 19 इंच का मिलता है। फ्रंट से कोई भी गैप नहीं है, फ्रंट से कुछ भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, वही सी टाइप्स के मिलेंगे। जैसा कि आपको सी टाइप चसेगी ना, वैसे ही फोग लैम्प, 4 पार्किंग सेंसर हो गए। फ्रंट का आपको ये 360 कैमरा होगा, 360 का कैमरा, शार्क फिन एंटीना। साइड से आपको जो मतलब एक चीज़ आपको बताऊँ, मतलब अनलॉक करके अगर आप स्टार्ट करोगे ना गाड़ी, एक सेकंड में इसको वो करके दिखाता हूँ चीज़ें। ये देखना, आपको एक सेकंड, ये बंद करोगे करोल बाग, यानी जो पुरानी थार में भी नहीं कर पाए ना, वो इस थार ने कर दिखाया। जैसे कि अगर आप बटन दबाओगे ना लॉक का, ये शीशे भी फोल्ड हो गएंगे। जैसे ये लगाओगे लॉक का बटन, अब ये देखना साइड मिरर भी फोल्ड हो जाएंगे। मतलब कोई भी करोल बाग भी कुछ नहीं कर रहा, पर भाई जो कंपनी फिटेड चीज़ें हैं वो तो कंपनी फिटेड है। पीछे से आओगे ना ऐसा कुछ लुक मिलता है। अलॉय व्हील MX-5 में आपको स्टील व्हील मिलता था, इसमें अलॉय ही मिलता है। अरे एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको व्हील खोलना है तो यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से एक चीज़ ये कैप निकाल के, तब आपको ये कैमरा तो फिट ही रहेगा, वो बुल्ट तब एक्सेस होंगे। थोड़ा सा टिपिकल तो है पर बढ़िया है, सेफ्टी के पर्पज़ से, ना कि अलॉय चोरी हो भाई, बाहर टकरा है तो चोरी होने का तो डर है, बल्कि यहाँ से पता भी नहीं चलेगा कहाँ नट है क्या नहीं है। ठीक है, साइड से कुछ ऐसा लुक है, मतलब है यार फील गाड़ी को। ये थोड़ा सा स्कूप नया डिजाइन में, यानी सिंपल, वे पहले थार आती थी उसमें सिंपल था, यहाँ थोड़ा डिज़ाइन नया करने के चक्कर में दिया गया है। साइड से सेम एज इट इज़, उसी साइड से कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपको एक एंटीना और मिल जाता है। ठीक है, अब चलते अंदर। चाबी की बात तो हमने कर ही ली थी, ठीक है, कोई डिफरेंस है नहीं, फ्रंट से चेकआउट कर सकते हो। अब अंदर चलोगे, अनलॉक करके अंदर जाओगे ना, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिलती है, 8-way फ्रंट, आगे पीछे ऊपर नीचे, काफ़ी चीज़ें हैं यार। मतलब वेंटिलेटेड सीट के साथ साथ एडजस्टमेंट भी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर आपको डोर पे मिलता है। MX-5 में जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी उसमें आपको वहीं पे मिलता है, जो स्पीकर यहाँ पे दिए जाते हैं पुरानी थार की तरह। इसमें आपको ये, आप देख सो हरमन कार्डन का, यानी एक टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में यार लग्जरी फीचर्स तो ऐड होंगे। ये आपको ट्विटर्स के मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश में। MX-5 में थोड़ा सा आपको ये फ़र्क मिलता है, छोटी छोटी चीज़ों का जो लग्जरी सेगमेंट में नहीं आती ना, ये जो आपको दिया गया ये ब्लैक फिनिश में मिलेगा, ये मैट मैट में। इसमें आपको एक कुछ ऐसा मिलेगा जो पियानो ब्लैक फिनिश में होगा, ये क्रोप हैंडल मिलेंगे सर साइड से, ये आपको ऐसा लोगो मिल गया। ये सेकंड चीज़ आपको, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में अगर आप दबाओगे ना, ये देखो भाई, मतलब कोई भी अगर स्टार्ट करोगे ना बिल्कुल ऐसे, मतलब वाइब्रेशन नहीं पता चलेंगी, जैसे कि आपको ऐसे होएगा। इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें वाइब्रेशन, जीरो वाइब्रेशन है कोई भी, मतलब आप 1% भी नहीं लगा सकते क्या कुछ दिया गया। एक सेकंड बंद कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर का जैसे स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कोई बात नहीं, वैसे सिंपल ही बंद कर लेते हैं इसको ऐसे करके। इसमें आपको मतलब XUV 700 जैसा MID कंट्रोल्स हो गया, जैसे यहाँ पे डलवा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। साइड से आपको लुक में आओगे, वेंटिलेटेड आपको फ्रंट दोनों साइड मिलते हैं, कोई बात ना, कर लो चेकआउट कर लो भाई, कस्टमर हो। कैसी कैसी लगी भाई आपने, अगर जबरदस्त लग रही है, बढ़िया लग रही है ना भाई। काफ़ी जो पीछे का एडजस्टमेंट था ना वो बिल्कुल अलग कर दे, वो पीछे की रो में जाके देखेंगे। फ्रंट से मतलब एकदम से आपको यूनिक, तो स्क्रीन हटाओगे ना तो यूनिक थोड़ा सा लगेगा, वैसे तो सेम दिएगा। ग्लब बॉक्स में शिकायत रहती थी पहले, जो छोटा ग्लब बॉक्स मिलता था, अब आपको काफ़ी बड़ा कर देगा। स्पीकर्स आपको वहाँ पे दे दिए गए डोर हैंडल्स पे, पियानो ब्लैक में सब कुछ, मतलब पियानो ब्लैक्स में दे दिया गया है, यहाँ पे जो आपको पियानो में मिलता था ना, अब यहाँ से सिंपल बंद करोगे, लेदर रैप में दिया गया। ये सनरूफ, मेनली जो सनरूफ आती थी ना भाई, ये जो सनरूफ, आप देखो जो बूट खोल रखा है सर ने, वो उसकी भी वार्निंग देखा, जो सनरूफ आती थी ना वो काफ़ी बड़ी दी गई। इसमें एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ब्लाइंड का और एक पर्टिकुलर दिया गया है। ये ब्लाइंड का देखो, ये ब्लाइंड का अलग से दिया गया है, यहाँ से दबाओगे तो ब्लाइंड अलग है, यहाँ से दबा के रखना पड़ेगा, दो बार दबा दोगे तो ये भाई ब्लाइंड पूरा बंद हो जाएगा। ब्लाइंड यार सही है यार,
मतलब ब्लाइंड का अलग है, सनरूफ का अलग है ये ऑप्शन यहाँ से खोलने का, ठीक है। और आर्मरेस्ट आपको कुछ मिल जाती है, कुछ स्पेस आपको ये दिया गया है, ये आपको पार्किंग ब्रेक हो गया, दो कप होल्डर हो गया, 4x4 का लीवर मिल जाता है, ठीक है भाई, 4x4 एक्सेस। एक सबसे बढ़िया इसमें एक इंटेलीटर्न का ऑप्शन आता है, जो आपको ये यहाँ पे एक जैसे गाड़ी थोड़ी लंबी हो गई, बेलवेस लंबा होगा, एक छोटे उसमें आप ऑफ रोडिंग करते हुए पैच छोटा है तो आप इंटेलीटर्न दबा के एक छोटा मैं आपको क्लिप ऐड कर दूंगा, जो उसमें ऑफिशियल लॉन्च में दिखाई गई थी इंटेलीटर्न का ये था। आइडल स्टॉप स्टॉप भाई अब तो पुरानी गाड़ियों में आता है। सबसे मेजर बात थी कि भाई चाबी दो तब आपको वो खुलेगा क्या पेट्रोल का, भाई ये सबसे ज़्यादा यानी यहाँ से दबाओ पेट्रोल का, अपना पेट्रोल डीजल जो भी डलवाना है वो डलवाओ, ठीक है। ऐसा कुछ आपको फ्रंट से होगा, मैं एक बार अपनी एडजस्ट कर लेता हूँ, 6 फीट मेरी हाइट है, एडजस्ट करके आपको पीछे की दिखाता हूँ क्या कुछ दिया गया है। भाई 6 फुट के अकॉर्डिंग मैंने मेरी ये फ्रंट सीट एडजस्ट कर ली, उसके साथ मैं आपको रियर कंफर्ट और दिखाता हूँ फ्रंट सीट के साथ, मतलब फ्रंट के अकॉर्डिंग साइड है। एक तो 90 डिग्री सबसे पहले सुधार भाई, ये 90 डिग्री खुलने लगे, 90 डिग्री के साथ साथ एक्सेस भी काफ़ी अच्छा हो गया। ग्रैब हैंडल या जो आफ्टर मार्केट जो करोल बाग की चीज़ें थी ना वो भाई कंपनी फिटेड चीज़ें देगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, 90 डिग्री खुल गया। इंग्रेस एग्रेस बहुत आसान होगा, अगर एज्ड पीपल है ना कोई आपके पास जाए, भाई बुजुर्ग आपके साथ बुजुर्ग लेडीज हैं प्रेगनेंट, वो भी बिल्कुल आराम से आपको एक फैमिली कार के पर्पज से चढ़ सकते हो। आर्म रेस्ट हो गया कुछ, ये दो तो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, एक फिक्स मिल जाता है बीच में। चलो कस्टमर देख रहे हैं तो उसके बाद बाकी सब बातें बाद में करेंगे। 4x4 की बैजिंग दी एलवीन में, कोई बैजिंग नहीं आती है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, बट ये बॉडी कलर में ही मिलता है, उसकी तरह अलग नहीं मिलता है भाई, ये मतलब ट्राइंगल बेस में दिया गया है। सबसे ज़्यादा मेन बात आती है इसकी बूट की, काफ़ी चीज़ें कस्टमर देख रहे। तो अब हम बूट खोल के और देख सकते हैं क्या कुछ आई है। भाई पहले या तो बंदे बैठ ले या फिर सामान रख ले, अब सब कुछ चेंजमेंट के साथ ऑफ रोडिंग के साथ साथ आपको सामान भी रख के ले सकते हो, 5 बंदे भी ले जाओ और बढ़िया ऑफ रोडिंग करके आओ लद्दाख में, ये आपको सब ऊपर मिल जाता है हरमन गार्डन का, ठीक है। और पीछे पार्किंग सेंसर्स हो गए, LED हो गई लैंप्स, ठीक है। ये किया बंद आपने साइड से, ऐसा कुछ एक चीज़ आपको वहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ, पहले मिलता था आपको ये बेस मॉडल में, यहाँ पे चाबी का कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल, आपको सब कुछ एक रूफ रेल्स और देख सकते हो, इसकी पेनारोमिक सनरूफ हो गई, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं इसकी। टॉप मॉडल प्राइस भाई देखो 4x4 का तो अभी आया नहीं है फिलहाल, ये 4x4 तो वेरियंट खड़ा है, फिर 2 की तो मैं लिस्ट लगा दूंगा आपके साइड में, मेरे को इन्होंने प्रोवाइड करा रखी है, उनकी आप लिस्ट देख सकते हो ऑन रोड, ठीक है। और 2.5-3 लाख रुपये आप जैसे पुरानी थार से फ़र्क था, 3 मतलब आप अप्रोक्स लगा सकते हो फिलहाल तो ऑफिशियल, और महिंद्रा की मैं अपडेट कर दूंगा टाइम टू टाइम चैनल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।